वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 20 सितंबर 2021 और 20 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में मधुबनी जिले के कितने कलाकारों को बिहार राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था, कुल मिलाकर 11 कलाकारों को बिहार राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन किसी भी ऑप्शन में हमारा 11 कलाकार नहीं लिखा गया है, तो इस आधार पर हमने यहाँ पर चुना था ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि ये वाला सेक्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ई और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है, अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है वीडियो में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखा कीजिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो पेड ग्रुप चला जा रहा है इसके तहत आपको 37वां प्रैक्टिस सेट कल दिया गया था। तो जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। हम यहाँ पर सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे, एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार कब परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे और आपको ये ध्यान रखना है और इनके अनुसार कब पर्यावरण नहीं बल्कि परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक माह के यानी कि हर माह के 21 तारीख को ये दिवस मतलब मनाने का निर्णय लिया गया है। अब आपको इस प्रश्न बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर माह के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको अगले पॉइंट में देखना है कि यह 21 सितंबर 2021 को पहली बार मना जाएगा। इसकी जो शुरुआत हो रही है ये 21 सितंबर 2021 से हो रही है, तो यहां से आपको ये याद रखना है इसकी शुरुआत 2021 में 21 सितंबर को हुई है। अब यहां पर अगले पार्ट मैंने ऐड किया है कि इस दिवस पर सभी चिकित्सा संस्थानों पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने को लेकर के विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी और इसके माध्यम से अनचाहे गर्भ के मामले, मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर व प्रसव संबंधी जटिलता के मामलों में कमी लाई जा सकती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस अभियान के तहत समाज में मतलब जागरूकता बढ़ाया जाएगा और जो चीजें यहाँ पे मैंने ऐड की, अनचाहे गर्भ के मामले, मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर व प्रसव संबंधी जटिलता के मामले में कमी लाई जा सकती है। तो यह पहल अभी हाल ही में बिहार सरकार, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया, यह निर्णय लिया गया है। अब यहां पर चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में राजधानी पटना किस स्थान पर है। ये आंकड़े वाले प्रश्न है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां से याद रखना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजधानी पटना तीसरे स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना है, पूरे भारत की यहाँ पे चर्चा की जा रही है तो पूरे भारत में अगर हम बात करें तो पटना की जो रैंकिंग है इस मामले में एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में तो ये तीसरे स्थान पर है। अब आपको यहां पर बता दूं कि हाल ही में आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2020 के रिकॉर्ड के अनुसार एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में बिहार की राजधानी पटना तीसरे स्थान पर है, ये आपको यहां से याद रखना है। जबकि मुंबई, हैदराबाद एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। तो ये तीनों आप यहां से याद रखें, हालांकि जो इंपॉर्टेंट है ये आपको यहां पर तीनों याद रखना है। पहला स्थान पर है मुंबई, दूसरे स्थान पर हैदराबाद और तीसरे स्थान पर है बिहार की राजधानी पटना। ये सारी संबंधित जानकारी आप यहां से याद रखें। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने ऐड किया, तो सारे को हम लोग देख लेते हैं। ये भारत वाले मैप में आप देख सकते हैं ये बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार की चौहद्दी अगर हम बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार की सीमा के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है ये नेपाल के साथ लगती है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और आपसे जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था जिसका मतलब इस वर्ष का जो थीम था 2021 का ये था आई लव स्पैरो, ये भी ध्यान रखें। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। और जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो था ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और क्षेत्रफल की हम बात करें तो 94163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। संपूर्ण भूभाग जब ये झारखंड और बिहार एक भूभाग था तो उस वक्त जब 15 नवंबर 2000 को बंटवारा हुआ था तो झारखंड का जो निर्माण हुआ ये 46% भूभाग के साथ हुआ और बिहार के क्षेत्र में 54% भूमि रहा और 40% भूमि मतलब झारखंड के क्षेत्र में चले गया, ये भी ध्यान रखें। और राज्यभाषा की हम बात करें तो प्रथम राज्यभाषा हिंदी तथा द्वितीय राज्यभाषा बिहार की है उर्दू। और बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य की हम बात करें तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं दो स्वास्तिक के बीच में पौधे वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, तो ये भी आपको यहां से याद रखना है।
अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 14वें एडिशन का दूसरा हाफ कब से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में शुरू हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 सितंबर से ये दूसरा हाफ शुरू हुआ है। अब ये दूसरा हाफ यहाँ पर मैंने शब्द का प्रयोग किया है, इस पर हम लोग कंप्लीट जानकारी को देखते हैं, इसे मैंने क्यों ऐड किया यहाँ पर। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 14वें एडिशन का दूसरा हाफ 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दे दूं कि दरअसल आईपीएल 2021 की शुरुआत इसी साल यानी कि अप्रैल 2021 में भारत में हुई थी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब हाल ही में 19 सितंबर से यूएई में एक बार फिर लीग की शुरुआत हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने दूसरा हाफ शब्द का प्रयोग किया है। ये पुनः शुरू हुआ है 19 सितंबर से, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखें। और यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच मैच से आईपीएल 2021 के दूसरे चरण यानी कि दूसरे हाफ की शुरुआत हुई है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहां से आप याद रखिए। अब हम यहां पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा यह है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट बनाया गया है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैलाश सत्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में आपको विस्तार से बता दूं कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने महासभा की 76वीं बैठक से पहले सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी का एडवोकेट नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है कैलाश सत्यार्थी। अब कैलाश सत्यार्थी के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इनमें से जो प्रमुख है कि इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन यह संयुक्त रूप से मिला था। वहां यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसी को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को एक साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप यहां पर याद रखिए। ये संयुक्त रूप से 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को, यहां पर जब ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको यहां से याद रखना है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं आप नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और ये भारत के हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी में है ये सुनील गावस्कर, ये पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहां से याद रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि चीन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से 11 देशों से बने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह यानी कि एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग में शामिल होने के लिए हाल ही में आवेदन किया है। अब ये आवेदन कहाँ किया गया है, किसे किया गया है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट चीजों को देख लेते हैं। तो यह आवेदन चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह के प्रतिनिधि के रूप में न्यूजीलैंड के लेबर पार्टी के व्यापार मंत्री डेमियन ओकानर को आवेदन प्रस्तुत किया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आवेदन दिया गया ये चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ द्वारा प्रस्तुत किया गया, इंग्लैंड के जो लेबर पार्टी के व्यापार मंत्री हैं डेमियन ओकानर, तो इन्हें मतलब ये आवेदन प्रस्तुत किया गया। तो यहां से आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में ये आवेदन किया गया चीन सरकार के द्वारा, ठीक है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल रिलेशन वाले जितने भी प्रश्न होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप लोग यहां पर याद रखिए। अब चलते हैं यहां पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा गोपाल मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल का नया सॉलिसिटर जनरल अभी हाल ही में गोपाल मुखर्जी को चुना गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, ये आपको यहां पर याद रखना है। अब यहां पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सॉलिसिटर जनरल आखिर होता क्या है। तो यहां पर मैंने कंप्लीट जानकारी को ऐड किया है सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि एसजी दरअसल अटॉर्नी जनरल के माथा यानी कि सबॉर्डिनेट आते हैं, यानी कि एक तरह से वे देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं और वह न्यायिक मामलों में अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। ये मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से कानूनी अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है, मतलब कि देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल, जो कि न्यायिक मामलों में अटॉर्नी जनरल की मदद करता है। अब यहां पर देखिए अगले पॉइंट मैंने लिखा कि सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, यानी कि सॉलिसिटर जो मुख्य सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनको मदद करने के लिए चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं और वर्तमान में तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, तो आप लोग इसका नोट जरूर तैयार कीजिए। जो लोग नोट तैयार नहीं कर सकते हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको ये सारे पीडीएफ वहां पे अवेलेबल कराया जाएगा, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी, आपका समय बचेगा और यहां से आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है इस पेड ग्रुप के तहत आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि आपके आगामी 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ, और इसके अतिरिक्त आपको यहां पर देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स जो कि आपका एक वर्ष का करंट अफेयर्स
अफेयर्स होगा, कह सकते हैं 15 वहां के करंट अफेयर्स मैं आपको इस ग्रुप के तहत प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स के पीडीएफ यहां पर आपको मिलेंगे। आप चाहेंगे तो 2020 वाला जो वार्षिकांक था वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त यहां पर इस पेड ग्रुप में आपको संपूर्ण बिहार जीके का पीडीएफ मिलेगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और भी कई सारे पीडीएफ है जो कि आपको यहां पर मिलेगा। ये बहुत कम कीमत में आप लोगों के लिए उपलब्ध है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अन्यथा यहां पर हमारे वीडियो से भी आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, निम्न में से किस संस्था को हाल ही में यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह भी प्रश्न एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा एनआईओएस। एनआईओएस को अभी हाल में यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस को शिक्षा के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए यूनेस्को द्वारा वैश्विक साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है, यूनेस्को की तरफ से यह भी हाल ही में वैश्विक साक्षरता पुरस्कार सम्मानित किया गया है यूनेस्को मतलब कि एनआईएस को, ठीक है, ये यहां से आप याद रखिए। अब बढ़ते हैं यहां पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा आठवां प्रश्न, यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रणधीर सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के राजा रणधीर सिंह ने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है और रणधीर सिंह के बारे में यहां पर मैंने कुछ ब्रीफ जानकारी को ऐड किया है। रणधीर सिंह 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज और 1978 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है, तो यहां से आपको यह याद रखना है। अभी हाल ही में ये ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बने तो यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, इनके करियर से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1978 एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये 5 बार के ओलंपियन निशानेबाज हैं, ठीक है, तो ये सारे संबंधित यहां से आप याद रखिए। अब यहां पे चर्चा हो रही है ओलंपिक, तो ओलंपिक के बारे में बता दूं कि ओलंपिक के बारे में मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था जो कि टोक्यो 2020 से संबंधित था। टोक्यो 2020 साथ ही साथ मतलब कि ओलंपिक के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सारे को मैंने उस वीडियो में सम्मिलित किया था, जिसका पीडीएफ का जो निःशुल्क लिंक है जो कि फ्री लिंक है आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसका एकदम से निःशुल्क वाला जो पीडीएफ का लिंक है वो भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर लगभग आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी ओलंपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पर मैंने सारे चीजों को ऐड किया है। अब यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न नौवां प्रश्न, यह प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल में पैन कार्ड से आधार को लिंक करने के आखिरी तारीख बढ़ाकर क्या कर दी है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी, हालांकि ये कई बार बढ़ाया गया है तो अभी हाल ही में पुनः एक बार बढ़ाया गया है। तो इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी जो अवधि थी ये 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 कर दिया गया, यानी कि इससे पहले जो ये तिथि था ये 31 सितंबर 2021 निर्धारित था लेकिन इसे बढ़ाया गया है और ये 31 मार्च 2022 किया गया है। अब यहां पे कुछ कंडीशन है जो कि आपको जानना चाहिए, आपके लिए अति आवश्यक है जानना। तो इस तिथि तक यानी कि 31 मार्च 2022 तक यानी कि इस तिथि तक आधार पैन लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पैन निष्क्रिय हो जाएगा और साथ ही ऐसे पैन कार्ड का उपयोग करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है सरकार की तरफ से। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना, जो लोग अभी तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं कराए हैं तो दोनों को आपस में लिंक करा लें, अन्यथा आपको मतलब कि हर जाना उठाना पड़ सकता है, ठीक है, ये यहां से याद रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा दसवां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा ई ऑफिस हिंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शशि शेखर वेम्पति इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको बता दूं या फिर है क्या, तो हाल में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने नई दिल्ली में एक समारोह में ई ऑफिस हिंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब यहां पर आपको बता दूं कि इस ई ऑफिस हिंदी पोर्टल का जो शुभारंभ हुआ ये क्यों किया गया है, तो इसका शुभारंभ कर्मचारियों के दैनिक कार्यों में उपयोग के लिए किया गया है, इसकी सहूलियत को मतलब कि सुविधा को देखते हुए इसे मतलब कि शुरू किया गया है। अभी हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भवानी राय का निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्न में से किस खेल से संबंधित थे। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फुटबॉल से संबंधित थे। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉलर और मोहन बगान के कप्तान भवानी राय का निधन हुआ है और नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है और उन्होंने 1969 में मर्डेका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये आप यहाँ से ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाले पश्चिम बंगाल की टीम का हिस्सा रही थी, तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखें। भवानी राय जो संबंधित नाम है ये फुटबॉल से संबंधित नाम है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में गूगल ने किस देश के मिसियो सुजी मुरा के 133वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान के मिशियो सुजीमुरा को 133वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर सम्मानित किया है। अब आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिकी सर्च इंजन गूगल ने जापानी शिक्षक मिशियो सुजीमुरा के 133वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यही वो डूडल है जो कि गूगल द्वारा भी हाल ही में बनाया गया है इनके सम्मान में। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया कि वर्ष 1888 में जापान के सोतामा प्रांत में जन्मे मिशियो सुजीमुरा को ग्रीन टी के पोषण लाभों से संबंधित अपने अभूतपूर्व शोध के लिए जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, इनकी जो प्रसिद्धि ये ग्रीन टी के पोषक तत्वों को पोषण मतलब कि पोषक तत्वों से जो संबंधित लाभ है उनके अभूतपूर्व शोध के लिए ही मतलब इन्हें जाना जाता है। इनका नाम आप याद रखिए, जापान की है मिशियो सुजीमुरा, जिन्हें अभी हाल ही में 133वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 2021 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया, और भी बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन थे जो कि विभिन्न संस्था द्वारा जो मतलब वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया वो सारे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सारी चीजों को आप लोग लिखिए, देखते हैं कौन कौन इस बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें pre-21 लिख के मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद आप इसे देख के निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। अब यहाँ पर आइए जानते हैं इस बारे में कंप्लीट जानकारी को कि आपको पेड ग्रुप में मिलेगा क्या क्या। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ईबुक लॉन्च किया गया, आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ईबुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ईबुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहाँ से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बता दूँ। अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा, यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा, सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा, तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखेगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके, यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 PDF मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक, अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको pre-21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज करना है pre-21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये एक वर्ष की वैलिडिटी के साथ है, इसका जो फी है ये 399 रुपये है, ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती, अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये
में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, एक वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जी के बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया, बिहार जी के अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 कितना हो गया, 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वीं बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।